गाइस, दिस इज मोनिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं देन थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। सो गाइस, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इट इज़ अबाउट शेविंग माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। आज मैं पहली बार अपना फेस को शेव करने वाली हूँ विद रेजर्स, जो फेस रेजर्स आते हैं। ये मैंने 3 का जो पैक होता है वो मैंने लिया है, वीगा का है ये, एंड फ्रॉम द लोकल मार्केट। आप इसे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से परचेज कर सकते हैं, अमेजोन वगैरह में मिलते हैं, अमेजोन नायका किसी से भी आप परचेज कर सकते हैं। सो 3 रेजर का सेट मुझे 110 का पड़ा था। सो विद द हेल्प ऑफ दीज रेजर्स आई एम गोइंग टू शेव माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी कि कैसा रहता है, बिकॉज ब्राउज तो हम करते ही हैं, ब्राउज एंड अपर लिप्स वी जनरली डू, बट इट हम जो हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए या तो हम फेशियल वैक्स करते हैं या फिर दीज रेजर्स। सो वैक्सिंग इज़ नॉट अ गुड चॉइस, आई पर्सनली बिलीव, फॉर योर फेस, बिकॉज आपकी स्किन लूज होती रहती है अगर आप कॉन्स्टेंटली वैक्सिंग कराते हैं तो, बिकॉज काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी लोग इसे कर रहे हैं, एंड इट इज़ पेनलेस प्रोसीजर जो हम करते हैं अगर आईब्राउज वगैरह के लिए। बिकॉज अभी तक मैं जो कर रही थी, आई वॉज डूइंग विद वीट का जो वैक्स स्ट्रिप्स आती हैं, विद दोज स्ट्रिप्स आई वॉज डूइंग माई ब्राउज एंड अपर लिप। सो आई थॉट अगर ये मुझे बेटर लगता है देन आई कैन गो विद दिस, बिकॉज इट इज़ पेनलेस। सो इसे ट्राई किया जा सकता है अगर इसके मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, या साइड इफ़ेक्ट्स तो एनी वेज नहीं होने हैं ऐसे कुछ, बट इवन दो अनकम्फर्टेबल होता है, कन्वीनियंट होता है देन। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। बिफोर डूइंग दैट आई हैव सीन सो मैनी यूट्यूबर्स दैट वीडियोज़ जो जिन्होंने किया है, उनके वीडियोज़ देखा मैंने, सो दैट आई कैन लर्न द थिंग्स कि हाउ टू डू दिस। सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू ऑल्सो कि मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, एंड इफ़ आई एम डूइंग दिस आई कैन डू इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। सो बेसिकली आपको पहले अपने बालों को आपको बांध लेना अच्छे से, एंड ताकि आपके फेस पे कोई बाल नहीं आए। सो आई एम डूइंग दिस। सो जो हेयर है, आई हैव दीज, प्लीज़ इग्नोर द ब्रेकआउट्स एंड एवरीथिंग। इधर थोड़े से मेरे फेस में हेयर हैं, एंड इन दिस एरिया एंड अपर लिप तो सारे यहीं आ गए लगता है, इन दिस एरिया एंड दिस। आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस, लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बिफोर डूइंग दिस। किसी भी अच्छे एक फेस वॉश के साथ आप इसे अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए, और कोई भी मॉइस्चराइज़र या कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है। इस तरीके का ये रेज़र है, एंड इट कम्स विद दिस कैप, एंड हाउ इट ओपन्स आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेट मी सी। ओके, या इट इज़ क्वाइट शार्प। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फर्स्ट डू माई फोरहेड, सो मेरे को एक हैबिट आ जाए मेरे हाथ में, मुझे हैबिट मतलब थोड़ा सा ईजी हो जाए, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम क्वाइट नर्वस। सो आई वॉन्ट टू डू फर्स्ट माई वॉट दिस फोरहेड एरिया, सो दैट आई कैन बी कम्फर्टेबल, एंड आई विल डू इट सो क्लोजली सो यू कैन सी हाउ इट इज़ गोइंग। वी हैव टू डू इट इन द डिरेक्शन ऑफ योर हेयर, जिस डिरेक्शन में आपके हेयर है उसी डिरेक्शन में आपको शेव करना है, एंड इससे धीरे धीरे, काफ़ी बहुत बड़े स्ट्रोक्स नहीं देने हैं हमें, जितने कम जितने छोटे स्ट्रोक्स हम दे सकते हैं उतना हम करेंगे। सो विल डू द फोरहेड फर्स्ट।
आई थिंक यू आर एबल टू सी। सो इस तरीके से स्ट्रेट आपको ये रख लेना है, इट्स क्वाइट ईजी यार। आई हैड नो आइडिया कि इट वुड बी सो ईजी बट इट इज। एंड दिस इज क्वाइट सॉफ्ट ऑल्सो। आई एम डूइंग इट सो क्लोजली सो आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। अपने ब्राउज के वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कहीं आप ओवर ना कर दें, बिकॉज इट इज़ सो शार्प दैट यू नीड टू बी केयरफुल। यस यहाँ पे जो हम करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसे ऐसे तो डेफिनेटली वी कैन नॉट डू इन दिस वे बिकॉज इट इज़ क्वाइट ब्रॉड, तो यहाँ पे जो एरिया है वो कम है, तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा हम ऐसे हल्का सा खड़ा इसे चलाएंगे सो दैट हमारे बाकी के जो बाल हैं वो ना हो। बट ट्रस्ट मी इट इज़ क्वाइट ईजी। You need to be really precise while doing your brows. आप extra ना कर लें। Side is good. I need to see the mirror.
आई ऑलरेडी हैव वेरी थिन ब्राउज, सो मैं केवल एक्स्ट्राज रिमूव करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको जो भी सूटेबल लगता है वो करें। Now I'll do this area. ये एरिया में मेरे बाल नहीं हैं तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, अगर आपके हैं तो आप उस अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। So now I'll do the upper lip part. For that you have to just put your tongue like this so that your skin get आपकी skin थोड़ा सा stretch होती है तो आप easily कर सकते हैं। So you can see it's quite easy. I heard that it's quite easy, but still I was in doubt ki kaise hoga and sahi se hoga ki nahi hoga, but it's really really easy and very painless and I'm loving this.
एंड फॉर श्योर आप समझ गए होंगे अब तक कि येस दिस इज़ गोइंग टू बी माई गो टू नाउ, क्योंकि अब मैं शायद पेन, ऑब्वियसली जब हमारे पास पेनलेस ऑप्शन है देन वाई वुड वी गो फॉर द पेन वन, इतना सारा पेन क्यों लेंगे। थ्रेडिंग तो फिर भी करवाई जाती है कैसे ना कैसे, बट अपर लिप इट्स क्वाइट पेनफुल विद थ्रेड एंड विद वैक्सिंग ऑल्सो, एंड फेस पे भी अगर आप वैक्सिंग कराते हैं तो आपको कई बार रिएक्शन का डर रहता है कि मतलब कैसे रिएक्ट होगा ना स्किन पे, तो इन दैट वे आपका काफ़ी इन दैट वे मुझे लगता है कि दिस इज़ द गुड ऑप्शन फॉर दैट फेस, आपके फेस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई एम लविंग दिस, यू हैव सीन दैट विद इन 5 and 10 minutes ये कंप्लीट हो गया है एंड यू कैन सी आई एम रेडी कहीं भी मुझे जाना हो। तो फेशियल हेयर क्या होता है कि अगर आपके बहुत कम है तो चल भी जाता है, क्या अगर आपके थोड़े बहुत ज़्यादा हैं तो अगर आप मेकअप करते हैं तो मेकअप में फाउंडेशन वगैरह से सारे बाल बाहर को आके कहते हैं कि वी आर हेयर, हम भी हैं हम भी हैं, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है अगर मेकअप कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ चल जाता है। अगर किसी के बहुत सारे होते हैं जैसे अभी मेरे तो इधर थोड़ा सा ज़्यादा थे एंड इधर तो मेरे इतने नहीं हैं, बट इधर भी वो थोड़ा सा फाउंडेशन वगैरह लगाओ ना तो वो बाहर आके झाँकते हैं हेलो वी आर प्रेजेंट करके अपनी अटेंडेंस वो लगाते हैं, सो दैट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। सो नाउ आई हैव गॉट दैट गुड ऑप्शन, फॉर लॉन्ग आई वॉज थिंकिंग फॉर दिस कि आई शुड ट्राई बट आई वॉज नॉट मतलब मैं रेडी नहीं हो पा रही थी कि यार कैसे होगा, मतलब रेजर के बाद जनरली वी हैव मैथ्स की हार्ड बार आते हैं, ये आता है वो होता है अलाना फलाना, तो क्वाइट मैंने बहुत रिसर्च किया बहुत देखा एंड देन आई फाउंड दैट नो इट्स नॉट ट्रू, अगर आप फेशियल हेयर शेप करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि आपके बहुत हार्ड बाल आ रहे हैं, जैसे आपके बाल हैं वैसे ही आने वाले हैं। विदाउट अ वरी यू कैन डू दिस, मतलब ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं होता है कि आपके बाल आ गए या कुछ भी हो गया, हार्ड बाल आ गए हैं ऐसा कुछ। यस अगर आपको थोड़ा सा स्किन के लिए टेंशन है तो यू कैन डू अ पैच टेस्ट हेयर विद 24 आवर बिफोर, अगर आपको कोई रिएक्शन वगैरह लगता है देन डोंट डू, अगर आपको रिएक्शन नहीं लगता देन यू कैन कंटिन्यू इट, बट एक पैच टेस्ट कर लेंगे तो इट्स गुड, आप कर सकते हैं, दैट्स ईजी एंड इट्स क्वाइट गुड एंड काफ़ी हाइजीनिक है एंड येस डोंट शेयर इट विद एनीवन, आप अपना रेजर आप किसी और के साथ शेयर ना करें तो दैट्स गुड, वो ज़्यादा सही रहेगा आप इसे ना करें, और आपका एक रेजर अराउंड आपका 1 or 2 months चलता है, अब 6 महीना साल भर नहीं चलाना है, 1 or 2 month तक आप इसे शेव कर सकते हैं इन 2x a week or 1x a week आप इसके साथ शेव कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि आपको कहीं जाना है यू हैव अ पार्टी सो यू कैन गो विद दिस, अ गुड ऑप्शन आई फाउंड एंड आई थॉट आई शुड शेयर विद यू एंड आई हैव शोन यू के कैसे किया मैंने एंड यू कैन सी आई एम लविंग, यहाँ पर बहुत स्मूथ लग रही है स्किन इस समय। सो येस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को कुछ और कोई वीडियो देखना हो, आप चाहते हैं किसी टॉपिक को मैं कवर करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ एंड ये आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा, एंड अगर आप इसे ट्राई करते हैं एंड हाउ कैसे रिजल्ट्स आपको मिले, यू लाइक इट और नॉट, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा प्लीज़ शेयर विद मी, स्टे ट्यून्ड, विल मीट नेक्स्ट वेरी सून।